नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। सीमांत जनपद की तहसील मुनस्यारी व धारचूला में अब ऑनलाइन रजिस्ट्री कार्य की शुरुआत होने से सीमांत तहसील के लोगों को यहां मुख्यालय की दौड़ लगाने से राहत मिलेगी। मुनस्यारी व धारचूला में अपर सचिव वित्त के निर्देशन में ऑनलाइन रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो गया, जिसको लेकर सब रजिस्ट्रार किशन सिंह पाटिया, प्रोग्रामर अभय चंद द्वारा कर्मियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। आदि कैलाश यात्रा का पहला दल बीती रात यहां जिला मुख्यालय पहुंचा। आज बुधवार को यात्रा दल धारचूला को रवाना हो गया। आदि कैलाश यात्रा बीते दो वर्ष से कोरोना के चलते नहीं हो पाई थी। पहले दल में कुल 30 यात्री, जिसमें 15 महिला और 15 पुरुष शामिल हैं। यहां पहुंचने पर यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। निगम के प्रबंधक दिनेश गुर्रानी ने यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान की शपथ ग्रहण कराई। इस अवसर पर विकास मिश्रा, जयदत्त, प्रीति शास्त्री, राजेश, आरसी मेहर, आशा मेहर, मंजू मेहर, जी सुंदरी, अशोक शर्मा, आशा गुलाटी सहित निगम के पदम सिंह व आशीष मौजूद थे। नेहरू युवा केंद्र द्वारा मोनाकोट प्रखंड के युवाओं को 3 दिवसीय आवासीय निवेशक शिक्षा और जागरूकता को लेकर दिया जा रहा प्रशिक्षण आज विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ संपन्न हो गया। प्रशिक्षण का समापन मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त कर्नल एसपी गुलेरिया व मेजर अशोक द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को संदर्भ व्यक्तियों द्वारा निवेश, जागरूकता, बैंकिंग आदि विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई। जिला युवा अधिकारी ध्रुव डोंगरा ने बताया कि प्रशिक्षण में 80 युवाओं ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं द्वारा योगाभ्यास, पौधरोपण, स्वच्छता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि अगला प्रशिक्षण आगामी 20 जून से आयोजित होगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले इच्छुक युवा 10 जून तक NYK के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। समापन अवसर पर अतिथियों द्वारा NYK के प्रयासों की सराहना भी की गई। नई दिल्ली में आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान व्याख्यान देने वाले वक्ताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें यहां स्थानीय लक्ष्मण सिंह मेहर महाविद्यालय में हिंदी विभाग की डॉक्टर वसुंधरा उपाध्याय को आधुनिक भारत के चाणक्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तक पर समीक्षात्मक वक्तव्य देने पर पूर्व शिक्षा मंत्री व साहित्यकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर उपाध्याय की अब तक 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 5 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में शोध पत्र भी प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर वसुंधरा को सम्मान मिलने पर डॉक्टर मंजू आर्या, डॉक्टर सोनी टमटा, डॉक्टर नेमिता, डॉक्टर DK उपाध्याय, डॉक्टर राकेश बिष्ट, डॉक्टर पुष्पा पंत, डॉक्टर अरुण, डॉक्टर भाकुनी, डॉक्टर इंदु आर्या, मनोज, निशांत सैनी सहित अन्य प्राध्यापकों ने खुशी व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंडा के छात्र समीर बोरा का चयन हर सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में बॉक्सिंग खेल के लिए हुआ है। समीर ने इस सफलता का श्रेय विद्यालय के व्यायाम शिक्षक हेमचंद्र उपाध्याय को दिया है। समीर की इस उपलब्धि पर जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों, कर्मचारियों व क्षेत्रवासियों ने खुशी व्यक्त करते हुए शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुने। धन्यवाद।